हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिक्स के पांचवे लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। इसमें कुछ एक्सप्रेशनल केसेस रहेंगे जिसके ऊपर बात करेंगे, जो नॉर्मली सॉल्व भी नहीं होता और एग्जाम में फ्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन मैथ क्लासेज, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इधर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम आए और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और कुछ और भी प्रॉब्लम आए किसी और टॉपिक पे तो भी आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम है, क्यों एक्सेप्शनल केस चीज आई। तो देखो, हमें डायमीटर दिया हुआ है 33 से 36, 37 से 40, 41 से 44, 45 से 48, 49 से 52। तो पहले क्या होता था कि हम जो क्वेश्चन करते थे मीन मीडियन जो निकालते थे तो उसमें रहता था 33 से 36, ये ठीक है, लेकिन वो जो यहाँ ख़त्म होता था 36, उधर ही 36 से 40 आना चाहिए था। तो इधर 36 आना था लेकिन इधर अभी 37 दे दिया, तो इस गैप को पूरा करने के लिए तो कंटिन्यूस सीरीज नहीं हुआ, बीच में गैप हो गया। अगर इधर 36 से 40 और फिर 40 से 44 आता तो ये कंटिन्यूस सीरीज रहती, तो अभी ये कंटिन्यूस नहीं है। इसको हम कंटिन्यूस बनाएंगे और फिर इसका मीन और मीडियन निकालेंगे। तो वो कैसे, इसको कंटिन्यूस कैसे करें, तो इसको कंटिन्यूस कैसे करेंगे, जो 33 है इसमें तो हम -0.5 कर देंगे। देखो इधर करके बताता हूँ, 33 में से तो हम 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.5। और जो अगला है 36, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, 36 + 0.5 तो हमारे पास हो जाएगा 36.5। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे। देखो अभी इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि 5 माइनस किया 33 में से, तो कितना आ गया हमारे पास 32.5, और 36 में से ऐड करेंगे तो 36.5। अब इस 36.5 को इधर लिखेंगे क्योंकि इसे कंटिन्यूस बनाना है, 36.5 इसके आगे हमारा कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 40.5, तो अब 40.5 को इधर लिख देंगे। अगला नंबर कितना है 44, तो हमारा आ जाएगा 44.5, अब 44.5 को इधर लिखेंगे। अगला कितना है 48, तो हमारा 48.5, 48.5 को इधर लिखेंगे। उससे अगला हमारा क्या है 52, तो 52.5। देखो सभी में से अभी पांच पांच माइनस हो गए, पिछले वाले में से पांच पांच माइनस हो गए और 0.5 माइनस हो गए और अगले वाले में 0.5 ऐड हो गए। अब हमारा इसका फ्रीक्वेंसी का समेशन दिया हुआ है हमारे पास 100, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हम निकालेंगे इसका मीन और मीडियन। मीन और मीडियन कैसे निकालेंगे, अब इसका, अब हमारी तरह पहले की तरह कंटिन्यूस सीरीज हो गई। मैंने पहले मीन और मीडियन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और एक बार फिर बताऊंगा, आज क्योंकि एक्सटर्नल केसेस था तो मैं इसके ऊपर एक बार फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो हमें FIXI, FI तो फ्रीक्वेंसी हो गया, F समेशन ऑफ F मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये हो गया 100, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें चाहिए XI, XI क्या होता है मिड टर्म। तो मिड टर्म कैसे निकालेंगे, तो मिड टर्म निकालने के लिए हम करेंगे बच्चों XI, XI, XI कैसे निकालेंगे बच्चों, जो ये दे रखा है 32.5 + 36.5, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 34.5। सिमिलरली बच्चों इसमें 36.5 + 40.5, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.5। इसको भी ऐसे ही करेंगे 40.5 + 44.5/2, तो करेंगे 42.5। इसी तरह सभी को करेंगे तो इसका आएगा 46.5 और इसका आएगा 5। हमें मीन निकालने के लिए चाहिए कि ये FIXI, इन दोनों को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए। तो FIXI, FI हमें ये दिया हुआ है, XI हमें अभी निकाला था, XI हमें अभी निकाला था, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। FI 15 की इसके साथ, 17 की इसके साथ, 21 की इसके साथ, 22 की इसके साथ और 25 की इसके साथ करेंगे। तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आएगा 517.5, इसकी करेंगे तो 654.5, 892.5, 1023, 1626.5।
अभी मीन निकालने के लिए चाहिए क्या चाहिए इनका समेशन, तो इसका हम समेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 4350। तो हमें अब 4350 अभी हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी आ गई और समेशन ऑफ एफ की वैल्यू भी आ गई, तो हम अब मीन के फॉर्मूले में चलते हैं। तो मीन कितना हो गया हमारा, मीन हो गया इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4350 अपॉन समेशन ऑफ एफ कितना है हमारे पास 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 2 10 5 8 40 और 5 7 35। तो इसको 2 से करेंगे तो 2 4 8 2 3 6 2 5 10, तो मीन हमारे पास कितना आ गया 43.5। और मीन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक्स बार से, तो बच्चों इसका हमारा मीन आ गया ये। अब हम इसी पे हम मीडियन के ऊपर और बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो मीडियन, मीडियन के लिए हमें फॉर्मूला हमारा एल प्लस ब्रैकेट शुरू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में एच। तो सी एफ हमारा होता है, हमें एन हमारे पास है 100, एल कैसे निकालेंगे, एफ कैसे निकालेंगे और सी एफ कैसे निकालेंगे ये देखते हैं बच्चों। और सी एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ क्या कैसे, सबसे पहले बच्चों एफ कैसे निकालेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ ये, इसमें सबसे पहले ये देखना कि सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 25, तो हमें 25 ले लिया एफ, तो ये हमारा आ गया एफ, तो लिख लेते हैं इधर एफ हमारा हो गया 25। जस्ट एफ के लेफ्ट हैंड साइड ये वाली वैल्यू, इसमें जो लोअर टर्म है पहले ये हो गई हमारी एल, एल हो गई 48.5। और हम अब निकालेंगे सी एफ, हमें सी एफ चाहिए, ये भी निकल गया, एच कितना हो गया, एच क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारा कितना हो गया 36.5 माइनस 32.5, तो इसमें करेंगे तो ये जीरो ये फोर ये जीरो, तो एच कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमें क्या बच गया खाली सी एफ, सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ क्या होता है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और सी एफ कैसे निकालेंगे बच्चों देखते हैं। सी एफ क्या होता है, ये पहले एफ दिया हुआ है, अब इसको भूल जाओ बच्चों, ये इसका कोई काम नहीं है बीच में, एफ को देखो एफ दिया हुआ हमें 15, पहले ये रकम को ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद 15 प्लस 17 तो ये जाएगा 32, फिर 32 प्लस 21 तो ये हो जाएगा हमारे पास 53, फिर 53 प्लस 22 तो ये हो गया 75, फिर हो गया 75 प्लस 25 तो कितना हो गया बच्चों 100। ये इसकी वैल्यू और हमारा एफ का समेशन दोनों सेम आना चाहिए, अगर ये सेम आ रहा है तो मतलब हमारा सी एफ हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब बच्चों सी एफ का हमें क्या पता लगेगा, इसमें से कौन सा सी एफ है बच्चों, तो हमें पता लगेगा जो एफ आया है इसके हमें राइट साइड में चलना है, ऐसे हम पहुंच गए इधर, इसके जस्ट राइट में गए हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ होगा, तो सी एफ कितना हो गया बच्चों 74 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन का फॉर्मूला हमारा एल, एल की वैल्यू हमारी कितनी आई है 48.5। एन की वैल्यू कितनी है, हमें पहले निकाल ली थी 100 है, 100 बाई 2 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी आई है 75, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास हमें निकाली थी 25 इंटू में एच, एच की वैल्यू कितनी आई थी 4 बच्चों। अब सोल्व करते हैं बच्चों 48.5, तो इसके इधर करेंगे 2 से डिवाइड तो 50 हो गया बच्चों, 50 माइनस 75 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 4, तो इधर करेंगे 48.5 प्लस इधर कितना बचेगा तो माइनस 25 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 4 तो डिवाइड तो माइनस 1 बच गया, तो 48.5 माइनस 4 तो इधर करेंगे तो 44.5 बच्चों हमारा आ गया मीडियन। अब बच्चों ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th में तो लगभग हर बार के एग्जाम में आता है, हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जी कोई सा बोर्ड हो, तो उस पर और चर्चा कर लेते हैं बच्चों एक बार। देखो इफ इसमें क्या पूछा है बच्चों, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 25, हमें क्या किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों इस क्वेश्चन में, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 28.5, हमें मीडियन दिया हुआ है ऑलरेडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाले हैं, और हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, फंक्शन दिया हुआ है हमें, फ्रीक्वेंसी हमारी है 5x 20 15 y और 5, हमें निकालना है मीडियन बच्चों।
तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है हमें, फाइंड करनी है। और एंड समेशन ऑफ एस इज 60, ये भी गिवन है। समेशन ऑफ एफ हमारा कितना है, 60। बच्चों हमने अपनी टेबल बना ली है बच्चों, पहले की तरह क्लास लिख दिया, वैसे लिख दिया। समेशन ऑफ क्वेश्चन में दिया हुआ 60 है। अब मीडियन के फॉर्मूले पे आ जाते हैं बच्चों को जल्दी से। मीडियन का फॉर्मूला है हमारा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। एल क्या होता है बच्चों, एफ क्या होता है, सी एफ। सी एफ होता है हमारा कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम बच्चों इसका सम दिया हुआ है 60। अब पहले तो हम एफ निकाल लेते थे कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा होगा वो हमारा एफ होगा। तो पहले बच्चों इसका सम तो दे दिया 60, ये 5 प्लस 20 25 प्लस 15 40 प्लस 45, तो बच्चों 45 हो गया। 45 और एक्स की और वाई की वैल्यू मतलब ऐड कर ले हम, 45 के अंदर ऐड कर ले मान लो, 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ गई बच्चों हमारी। अब 45 के अंदर मान लो एक्स की वैल्यू हमारी 0 आ गई मान लो, और वाई की वैल्यू 15 आ गई। थोड़ी देर के लिए मान लो 45, इसकी वैल्यू 7 और 5 आ गई बच्चों। हमें मतलब 60 करना है, 7 और 8 आ गई बच्चे, तो भी 60 हो रहा है। इसको करें तो भी 60 हो रहा है, तो मतलब हमारी इसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू तो फिर वही 20 आएगी, क्योंकि 45 में कुछ भी जोड़ें, दो वैल्यू जोड़ेंगे तब भी 20 से बड़ी नहीं आ रही। तो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू इसमें फिर क्या हो गई, ये हो गई। तो हमारी ये क्या हो गई बच्चों, एफ हो गई। इसके जस्ट लेफ्ट साइड ये वाली टर्म, ये क्या हो गया हमारा, एल हो गया बच्चों। अब बच्चों सी एफ कैसे निकालते थे, सी एफ पहले की तरह पहली टर्म को सेम लिख दो इधर, फिर पहली टर्म में ये जोड़ दो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ दो, 5 प्लस 20 प्लस एक्स, तो हमारे पास हो गया 25 प्लस एक्स बच्चों। फिर ऐसे हो गया 25 प्लस एक्स प्लस 15, तो हमारे पास हो गया 40 प्लस एक्स बच्चों। फिर इसमें वाई जोड़ दो बच्चों, 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया बच्चों। फिर इसमें जोड़ देंगे तो 40 प्लस 5 एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई बच्चों। तो बच्चों अभी क्या था कि हम क्या करते थे कि इसका सम और इसका सम हमारा क्या आता था, इक्वल आता था। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 45 उधर चला गया माइनस को हो गया, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम चलते हैं, अब हमें सी एफ चाहिए कि सी एफ क्या ले। तो हमारा एफ कितना आया था बच्चों, 20 आया था। मैंने बताया था कि एफ के राइट हैंड साइड गए तो ये आया, इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या होगा बच्चों, सी एफ होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, सी एफ हो गया। तो हमें अब सी एफ की वैल्यू भी मिल गई, एन की वैल्यू हमारी 60 दी हुई है, एल की वैल्यू हमें 20 मिल गई, एफ की वैल्यू हमें 20 मिल गई, और एच की वैल्यू हम इन दोनों का डिफरेंस, तो एच की वैल्यू कितने हो गए बच्चों, 10। अब हम बच्चों फॉर्मूले में चलते हैं जल्दी से। एल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 60 अपॉन 2। सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5 प्लस एक्स बच्चों अपॉन एफ की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 20 हो गई। एच की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। 1 0 से 1 0 बच्चों कैंसिल हो गई, 20 इधर से 2 2 3 6 30 आ गया बच्चों, प्लस 30 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस एक्स अपॉन 2 बच्चों, 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया बच्चों। इज इक्वल टू मीडियन हो गया हमारा। मीडियन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले ही दी हुई थी बच्चों, कितनी दी हुई थी, 28.5। तो हम कितना लिखेंगे, 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये 20 इधर प्लस का इधर जाएगा जब क्या होगा, माइनस का। 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। बच्चों अभी अगले पेज पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार। ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब बच्चों देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास 8.5 मल्टीप्लाई 2, देखो करके दिखा देता हूँ, 2 5 10 इसी लागे 1 17, तो हमारे पास क्या आ गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अभी 25 इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो कितने बच्चे के बच्चों हमारे पास माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई 8। अब हम पहले हमने एक लैट किया था बच्चों, पिछले पेज पे दिखाता हूँ एक बार तुमको फिर से, हमने इक्वेशन 1 लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो अब वो x की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 1 में लिख सकते हैं, लिख देता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारी क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 7। और हमारा लास्ट का सम कितना आया था बच्चों, देखो मैं आंसर वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ, 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा किसके बराबर था 60 के बराबर, तो 45 एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 7 इज इक्वल टू 60, तो हमारा 48 ये कितना हो गया 15 इज इक्वल टू 60, तो 60 इज इक्वल टू 60, तो हमारा क्या है मतलब आंसर करेक्ट है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका मैंने अभी, दोनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो बच्चों ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, मैं नेक्स्ट टॉपिक मीन मीडियन का बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, डिस्क्रीट सीरीज का रहेगा, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना बच्चों, थैंक यू बच्चों।